भक्तों, ये एक सच्ची कहानी है भगत विनोद जी के परिवार से। गांव मेहर में निवास करते थे हरिकेश जी के पुत्र श्री संतूलाल जी। संतूलाल जी के पुत्र हुए भगत विनोद जी। घर की हालात बहुत अच्छे थे, लेकिन अचानक एक संकट की मार हुई और घर के हालात बिल्कुल बिगड़ गए। संकट की काली छाया उनके परिवार पर गिर गई। कई भक्तों के पास गए, लेकिन हर जगह निराशा ही हाथ लगी। श्री संतूलाल जी भगवान को याद करते हैं, हाथ जोड़ करके अपनी आंखों में आंसू लिए क्या कहते हैं भगवान से, सुनिए बड़े प्रेम से। घर में आने पड़ी करड़ाई, आवे नहीं उसान मन, कैसा दुखों का मोड़ दिखाया जीवन में भगवान तने। घर में आने पड़ी करड़ाई, आवे नहीं उसान मन, कैसा दुखों का मोड़ दिखाया जीवन में भगवान तने। घर में आन पड़ी करड़ाई, ठोकर खाली कहीं आराम न पाऊं मैं, उठ क्या खाना पीना मारा रो रो हाल सुनाऊं मैं। तर तर की मन ठोकर खाली कहीं आराम न पाऊं मैं, उठ क्या खाना पीना मारा रो रो हाल सुनाऊं मैं। हे ईश्वर तेरी दया तेरी दया रहम का, दे दो ने आसमान मने, कैसा दुखों का मोड़ दिखाया जीवन में भगवान तने। घर में आन पड़ी करड़ाई, आँखों से आंसू मेरी आत्मा के तेरे आगे सारे दुख तरासू हो, फूट फूट के गिरते बाबा मेरी आंखों से आंसू हो। दुख से भरा यो जीवन बाबा, दुख
से भरा यो जीवन बाबा, लागे से चट्टान मन कैसा दुखों का मोड़ दिखाया, जीवन में भगवान तने घर में आन पड़ी करनाई, आवे नहीं उसान मन कैसा दुखों का मोड़ दिखाया, जीवन में भगवान तने भगवान तने घर में आन पड़ी करनाई, आवे नहीं उसान मने कैसा दुखों का मोड़ दिखाया, जीवन में भगवान तने कैसा दुखों का मोड़ दिखाया, जीवन में भगवान तने।